इस क्लास में हमने कैल्शियम कार्बोनेट डाला है और हमने इसको हीट किया। कैल्शियम कार्बोनेट हीट होकर डीकंपोज हो जाएगा किसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की तरफ चली जाती है और सारे का सारा कैल्शियम कार्बोनेट तब्दील हो जाता है किसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जो कि फ्लास्क के अंदर रह जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फ्लास्क से बाहर एस्केप हो जाता है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, हम ये फ्लास्क लेते हैं और हम उस फ्लास्क को उसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट डालकर हीट किया और उसको फ्लास्क को क्लोज कर दिया, फ्लास्क को बंद कर देते हैं विद हेल्प ऑफ अ स्टॉपर, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट तब्दील होगा कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। लेकिन आप देखें कि इस सिचुएशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फ्लास्क से बाहर नहीं जाएगी क्योंकि आपस में क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, अब पहले पहल कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोज होगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही कुछ ही देर बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर दोबारा जो है कैल्शियम कार्बोनेट बनाना शुरू कर देंगे। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा जिसमें रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन आपने ये देखा इसके लिए जो शर्त थी वो क्या थी कि फ्लास्क या सिस्टम हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, जिसमें ना ही कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ दाखिल हो और ना ही कोई चीज अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। इस सिस्टम के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। अब हमें ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर एक बैलेंस आ गया है, एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई है। देखेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट की डिफाइन अगर हम उसको करें, इक्विलिब्रियम स्टेट होता क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट अगर हम डिफाइन करें कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट होती क्या है, देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का जहां तक ताल्लुक है वो कहते हैं कि व्हेन दी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू दी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है किस चीज के, रिवर्स रिएक्शन के रेट के, और डीकंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स कॉन्स्टेंट, रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ये जो सूरत हाल है इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ये हालत क्या कहलाती है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। मैं इसको दोबारा आपको बताऊं कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, when the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction, जब forward reaction का रेट बराबर हो जाता है reverse reaction के रेट के, the composition of reaction mixture become constant, तो reaction mixture की जो composition है वो constant हो जाती है, उसमें कोई change नहीं आता।
चल रहा है,
रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हैं, मतलब रिएक्शन ने स्टॉप नहीं किया, लेकिन इन दोनों रिएक्शन का रेट बराबर हो गया, इन फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो जाती है रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार के। तो देखिए कि अब ये किस तरीके से होता है कि इनिशियली अगर हम इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करें, ग्राफ है इसके दरमियान यहां पर हमारे पास क्या है, टाइम है, और क्या हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो इनिशियली होता यूं है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ये विल गेट टू फॉर्म टू हाइड्रोजन आयोडाइड, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इनिशियली क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और आयोडीन ज्यादा है, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा, ज्यादा होगा। इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी रिवर्स रिएक्शन, बट विद दी पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार कम होना शुरू होगी और जो रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार है वो क्या होगी, बढ़ना शुरू। और एक वक्त ऐसा आएगा कि इन दोनों रिएक्शन की रफ्तार क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये वो स्टेट है जिसमें क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। अब देखेंगे ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। पहले पहले हमारे पास क्या हो रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार कम हो रही है और रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार क्या है, बढ़ रही है। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन फिर क्या होगा, मैंने आपको बताया कि आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद दोनों रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो जाती है, इस स्टेट के अंदर क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब होता क्या है, क्यों हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार शुरू में ज्यादा कम थी और रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार शुरू में कम थी, उसकी रीजन यह है कि शुरू के अंदर स्टार्ट में इन द बिगिनिंग हमने रिएक्शन जब शुरू किया तो हमारे पास सिर्फ क्या मौजूद है, हाइड्रोजन और आयोडीन, हाइड्रोजन और आयोडीन मौजूद नहीं है। तो शुरू में इनिशियली कंसंट्रेशन जो है इन दोनों की क्या है, ज्यादा है। इनिशियली रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसीलिए फॉरवर्ड रिएक्शन जो है फास्ट होगा, तेज होगा एज कंपेयर टू दी रिवर्स रिएक्शन। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ चलेगा, प्रोसीड करेगा, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन मिकदार में इजाफा होता चला जाएगा। जैसे ही प्रोडक्ट्स की मिकदारें बढ़ेंगी तो फिर रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार भी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों रिएक्शंस की रफ्तार बराबर हो जाएगी, उस वक्त कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, और ये वो स्टेट है जिसको क्या नाम देते हैं, दैट इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। ये हालत क्या कहलाती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। तो यहां पर हमारी बात आज की मुकम्मल हो जाती है। हमने आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट एक क्लोज सिस्टम के अंदर आती है और ओपन सिस्टम के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। फिर हमने कहा कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है क्या, हमने उसको डिफाइन किया कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार के बराबर हो जाती है और दोनों रिएक्शन चलते रहते हैं, इस तरह का रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाता है, इस स्टेट केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाता है। पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट दो तरह की होती है, एक हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा क्या होता है, डायनामिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, पहले होता है रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, रिएक्शन आगे की तरफ मूव नहीं करेगा, सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाएंगे, तो वो रिएक्शन क्या है, उस कौन सी हालत के अंदर आ गया, स्टैटिक। और आप कह रहे हैं कि ये ज्यादा फिजिकल फिनोमेना के अंदर है, एक बिल्डिंग खड़ी रहती है, गिरती नहीं है, उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस क्या हो जाती है,
चलता रहे और उनकी कंसंट्रेशन या कंपोजिशन कांस्टेंट हो जाए मिक्सचर की, इस तरह की हालत क्या कहलाती है? डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। फिर हमने ग्राफिक में इस बात को एक्सप्लेन किया कि रे का फ्रैक्शन और टाइम में क्या रिलेशनशिप है। मैंने आपका इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रेडिएशन ज्यादा होगा इसीलिए फॉर्मेशन की रफ्तार भी ज्यादा होगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ जो कंसंट्रेशन है रेडिएशन की कम होगी तो रिएक्शन की रफ्तार भी कम होगी। लाइक प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में इजाफा होगा तो रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार भी क्या होगा? इजाफा हो जाएगा। बट इवेंचुअली बोथ रिएक्शंस दोनों रिएक्शंस की रफ्तार बराबर हो जाएगी और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन चलता रहेगा। इस फ्यू स्टेट को सी कराती है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। होप्सो कि आपको आज की बातें समझ में आई होगी। आप लोगों ने अपने टेक्स्ट बुक से इसको अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेना है, आपने डेफिनेशंस को भी पढ़ना है, हमने जो तीन डेफिनेशन डिस्कस की है और ये पूरा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन का ताल्लुक है किसके साथ, टाइम के साथ, किस तरह रिएक्शन की रफ्तार टाइम के साथ रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी।